Student, today I will explain you the chapter 14 pronouns in the grammar book. Pronoun means स्वर नाम, ठीक है? जो word noun की जगह में use होता है उसे क्या बोलते हैं? Pronoun. Read these sentences. Daisy is sitting in the park. Daisy is feeding the birds. Let us go and talk to Daisy. डेजी पार्क में बैठी है, डेजी बर्ड्स को खाना खिला रही है. वी कैन राइट दिस सेंटेंस एज, हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं. डेजी इज सिटिंग इन द पार्क, शी इज फीडिंग द बर्ड्स, लेट अस गो एंड टॉक टू हर. यहाँ पे हम लोग डेजी के जगह शी यूज किए, इस डेजी के जगह हर यूज किए हैं. तो क्या है डेजी? क्या है नाउन. नाउन की जगह हम लोग क्या यूज किए? प्रोनाउन. नाउन की जगह जो वर्ड हम लोग शी यूज किए और हर यूज किए, ये क्या बोल या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन. द वर्ड शी एंड हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. देखिए जो शी और हर है वो किसके जगह पे यूज हुआ? डेजी की जगह पे. तो डेजी क्या है? नाउन है. शी एंड हर प्रोनाउन, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. जो नाउन की जगह जो भी वर्ड यूज होता है उसे प्रोनाउंस बोलते हैं. प्रोनाउंस आर वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन सो दैट द नाउन्स आर नॉट रिपीटेड इन अ सेंटेंस. प्रोनाउंस जो होता है वो जो नाउन की जगह पे यूज होता है, और ये इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो दोबारा नाउन फिर से यूज ना हो सेंटेंस में, रिपीट ना हो. Now let us look at the pronoun used for different people. Notice how a pronoun changes if it is put after the doing words in a sentence. ये doing words के पहले यानी action word के पहले pronoun use होता है. Girl और woman में क्या use होता है? देखिए, she is my sister. I like her a lot. Girl और या फिर जो भी ladies हो उसके लिए हम लोग she and her use करते हैं, ठीक है? Boy और man जहाँ होगा, He is a doctor. You can meet him. यहाँ पे he और him क्या है? डॉक्टर के बारे में, जो लड़का है उसके बारे में बात करते हैं. लड़की के लिए she यूज करते हैं, लड़का के लिए he, और लड़की के लिए her एंड लड़का के लिए him. Our own self, और अपने लिए क्या यूज करते हैं प्रोनाउन? I am hungry. Give me something to eat. I and me क्या है? Own self है, वो अपने आप के लिए हम लोग यूज करते हैं. पर्सन और पर्सन्स वी आर स्पीकिंग टू, पर्सन और पर्सन्स वी आर स्पीकिंग टू माने जिस इंसान के बारे में हम लोग बात करें. यू आर लेट, द टीचर इज वेटिंग फॉर यू, मतलब तुम लेट हो और टीचर तुम्हारे लिए लेट कर रही है. दूसरे पर्सन के लिए हम लोग बात करते हैं. और जब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जहाँ पे ढेर सारा पीपल होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? टीम एंड एन आर सिंगर्स, यहाँ दो आदमी हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दे सिंग वेरी वेल. यहाँ पे टीम एंड एन सिंग वेरी वेल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके जगह में टीम और एन के जगह में दे यूज किए, ठीक है? पीपल लव टू हियर देम सिंग, जब वो लोग आते हैं तो उसको पीपल पसंद करते, लोग पसंद करते. दे और देम क्या यूज होता है? ग्रुप ऑफ पीपल के लिए. अ ग्रुप विच इंक्लूड अस, अ ग्रुप जिसमें हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं, जैसे हम है ना. डेविड एंड आई आर फ्रेंड्स, वी आर इन द सेम स्कूल, एक दूसरे का नाम लिया और एक अपना, तो क्या हो गया? अपने लिए क्या यूज किए यहाँ पे? वी, हमारे लिए है ना. फादर ड्रॉप अस और एक अस यूज किए. आई सो अ ग्रीन फ्रॉग, इट इज आर एनिमल और थिंग के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है? इट. आई सो अ ग्रीन फ्रॉग, इट जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, अ बिग फिश कॉट इट. देखिए यहाँ पे इट यूज हुआ है, ठीक है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन. अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस. इट इज माय पेरेंट्स एनिवर्सरी टुडे, तो यहाँ पे माय होगा प्रोनाउन, एंड उसके जगह फिर क्या यूज हुआ है? आई बॉट फ्लावर्स इन फॉर देम, आई हो गया प्रोनाउन, देम हो गया प्रोनाउन, ठीक है? लाइक दिस यू कैन डू दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी एंड दे इज कमिंग विथ अस, अस और देम यूज होगा, ठीक है? ये हमारे लिए भी
वी है, तो वी के साथ क्या यूज होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग वी के साथ क्या यूज हो रहा है, अस, है ना, तो हम लोग अस करेंगे, ठीक है। दीज फ्लावर्स आर एलिस, आर फॉर एलिस, यह लड़की है, प्लीज पास देम टू हर, तो शी किस जगह क्या यूज होगा, हर। द मिल्क हैज, इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन।